मतलब सी यू को भगा दिया और एफ ई एस ओ फोर इन दोनों की अब बॉन्डिंग बन गई। अबे रिया चक्रवर्ती मत समझ लेना इसको, समझे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनो साइंस में। तो गाइज, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है? ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है और बैलेंसिंग का मैंने इससे पहले लेक्चर में करवा रखा है, तो जिन्होंने बैलेंसिंग का लेक्चर नहीं देखा है वो उसको भी देख सकते हो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। और साथ ही यदि ये वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है? जिसके अंदर में हम लोग आज टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करने वाले हैं, ठीक है? जिनको पीडीएफ वगैरह चाहिए क्लास के बाद आप लोगों को ग्रुप के अंदर दे दिया जाएगा। सो आप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन है कोई जिसको हमने यदि सिंबल के फॉर्म में यदि लिख दिया तो वो हो जाता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है कि मैग्नीशियम इज बर्नड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? ये तो कोई केमिकल चेंज है ना, मैग्नीशियम बर्न हुआ ऑक्सीजन के साथ और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है? तो उसको हमने सिंबल के फॉर्म में कैसे, मैग्नीशियम कैसे लिखते हैं Mg, ऑक्सीजन कैसे O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे MgO, ठीक है? तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन, ठीक है? अब देखो, इसको हमने पिछले लेक्चर में हमने बैलेंसिंग के बारे में पढ़ रखा था, बैलेंसिंग किया था, बहुत सारे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वगैरह किया है, तो आपको यदि देखना है तो आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, बैलेंसिंग करके देखते हैं। यहाँ पे देखो, एक Mg कितना है, एक है, और यहाँ पे भी एक है, ठीक है? ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, दो, और यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू लगा देते हैं। तो अब देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे भी टू, इधर भी टू, बट मैग्नीशियम कितना हो गया, मैग्नीशियम भी टू हो गया, तो साथ में यहाँ पे भी टू लग जाएगा। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमने कवर कर रखा है पिछले लेक्चर में, तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है? यहाँ पे हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं, ठीक है? अब देखो, ये हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है? रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं, तो हम यकीन मानो बहुत इजी तरीके से हम सब कवर करने वाले हैं इसको, ठीक है? देखो, यहाँ पे पांच तरीके के रिएक्शन होते हैं। पहला है आपका कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ठीक है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिएक्शन है, ये बताऊंगा आगे, वीडियो में एंड तक बने रहे, ठीक है? नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ बाइक, मतलब बाइक का बाइक वाला रूल इसको बोलते हैं, हम अपने लैंग्वेज में इसको बाइक वाला इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है? आगे बने रहे, बताएंगे आपको, ठीक है? इसके बाद में होता है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? तो पांच तरीके के रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जो कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स में पूछते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ एक आध छोटे मोटे रिएक्शंस वगैरह देखेंगे, जैसे कि एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है? ये सब भी देखने वाले हैं, वो बीच बीच में आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो पहला है हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? कम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि कम्बाइन हो रहा है कोई चीज़। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में ये होता है कि दो या दो से अधिक चीज़ें कम्बाइन होकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। आगे आपको हम एग्जांपल के अंदर दिखाते हैं। देखो, यहाँ पे ये है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? एक एलिमेंट, एक चीज ये हो गया, दूसरा वाटर, दूसरा कंपाउंड ये है, ठीक है? इन दोनों को मिला के कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया है, ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक है? सिंगल प्रोडक्ट बनाया, दोनों को जोड़ के कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो ये हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं, इस तरीके के रिएक्शन को बोलते हैं कंबिनेशन रिएक्शन। इसी के अंदर होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर यदि हीट, किसी भी रिएक्शन के अंदर से यदि हीट इवॉल्व हो रहा है, मतलब हीट निकल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एकदम इजी वे में समझो यार, जैसे कि सपोज करो, जैसे हम कोयला को जलाते हैं, ठीक है? तो कोयला के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है? कोयला को जलाते हैं ना, तो कार्बन होता है, उसको वो किसके साथ जलता है, ऑक्सीजन के साथ जलता है ना, O2। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है हवा के अंदर और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में हमें गर्मी भी तो देता है, हीट भी तो देता है, तो देख रहे हो वहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है। तो जिस चीज़ में हीट निकल रहा है, ठीक है, सॉरी, जिस चीज़ में हीट निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसी का उल्टा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन,
जिसके अंदर जो क्या करे, जो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, रिलीज करने के बजाय एब्जॉर्ब कर ले, जो ठंडा पड़ जाए ऐसे, उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे CH4, ठीक है, मीथेन गैस होता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ जलता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है, और साथ में हमारे को हीट भी तो देता है, हीट देता है, एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है, हीट एनर्जी जो भी है, हीट भी जो हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हमारे को एनर्जी देता है। तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और एंडोथर्मिक में ये दे रखा है आपको BaOH का होल 2 प्लस NH4Cl, ये सब मिला के ये फलाना फलाना चीज़ देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप नोट बना के लिख सकते हो अपने बुक कॉपी के अंदर, ठीक है, ये आप लोगों को वन लाइनर में आ सकता है ये क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एकदम ईजी है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे कंबिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो चीज कंबाइन होके एक, दो या दो से अधिक चीज कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता था, ठीक है। डिकम्पोजिशन वाले में क्या होता, नाम ही से पता लगा डिकम्पोज हो रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि वो डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है प्रोडक्ट। तो देखो डिकम्पोज मतलब टूटना, तो एक सिंगल प्रोडक्ट दो या दो से अधिक चीजें में टूट जाएगी, जैसे कि अभी हम देखते हैं आगे, ठीक है। यहां पे देखो आप एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हो, यह है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड एक प्रोडक्ट, एक कंपाउंड है, उसको हमने क्या किया, सनलाइट के अंदर डाल दिया, ठीक है, सनलाइट में मतलब प्रकाश में ऐसे खुला छोड़ दिया, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि ये सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा, ये देखो एक प्रोडक्ट मतलब एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट बना रही है, मतलब टूट रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं आपस में, तो जो टूट जाए वो डिकम्पोजिशन। साथ ही यदि एक मतलब दो या तीन चीज मिला के मतलब कंबाइन होके एक चीज बना दे, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतना ही है, समझ में आया, ये क्लियर है। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके के होते हैं, तीन तरीके के बेसिकली होते नहीं है, बेसिकली इसमें यह होता है कि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन हमने दिया था, यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दिया था, सनलाइट, मतलब इस कंपाउंड को हमने क्या किया, सनलाइट में ऐसे ही खुला छोड़ दिया, सनलाइट के अंदर कंडीशन क्या है, सनलाइट होना चाहिए। तो रिएक्शन किसके वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से हो रहा है ना, तो जो सनलाइट की वजह से जो रिएक्शन होता है, मतलब सनलाइट की वजह से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट, जैसे कि अभी आपने AgBr वाला देखा, उसी तरीके का है AgCl, ठीक है, इसको आप यदि सनलाइट में छोड़ दोगे तो कुछ देर के बाद में सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग बन जाएंगे, समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसी के तरीके का, यदि वो रिएक्शन आप करवा रहे हो किसके साथ, जैसे कि ये फलाना प्रोडक्ट रख दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये है FeSO4, इसको आपने क्या किया, सनलाइट में नहीं, अब क्या किया, इसको थोड़ा सा गर्म किया आपने, गर्म किया मतलब आपने हीट दे रहे हो ना आप, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद देखो ये डिकम्पोज होकर कितना, एक दो तीन प्रोडक्ट बना रहे, ठीक है, तो ये आपस में तीन प्रोडक्ट बना रहे ना, किसकी वजह से, कंडीशन क्या था, हीट, तो इसको बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब हीट की वजह से जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी तरीके से कोई ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आप इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर इसको पढ़ोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है पानी, वाटर, ये देखो वाटर, इसमें ये आप एक्टिविटी समझ सकते हो, ये वाटर है, इसके ऊपर ये दो, एक एनोड एक कैथोड लगा हुआ होता है, इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे अभी। देखो तो इसको जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब इसके अंदर पास कराते हैं ना, इसके ऊपर से ये टूट गया, ठीक है, ये जब एक तरफ से प्लस और माइनस का जब इसमें प्रोवाइड कराते हैं तो हाइड्रोजन एक तरफ और ऑक्सीजन एक तरफ, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तो ये किसके वजह से हुआ है, कंडीशन क्या था, कंडीशन था हमने इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड किया था, ठीक है, तो इसके लिए वो, इसका नाम क्या हो गया, इसलिए इसका नाम हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट देखो, इसमें कोई किसी को दिक्कत हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, और फिर भी यदि प्रॉब्लम यदि सॉल्व ना हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के ग्रुप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारा फेवरेट वाला सवाल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये है आयरन, देखो यहाँ पे
ये था CuSO4। इसमें आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, एक कॉपर और एक सल्फर, ठीक है, ये मतलब सल्फेट, सॉरी, ये कॉपर और एक दूसरा सल्फेट, ठीक है। अब ये क्या है, आपस में ये कपल है, ये लड़का, ये बॉय और ये गर्ल है, ठीक है, ये दोनों आपस में दोस्त हैं। आप समझ जाओ कैसे दोस्त की बात कर रहा हूँ, ये दोनों आपस में दोस्त हैं, ठीक है, समझ सकते हो, एक गर्लफ्रेंड है एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है, ये बॉयफ्रेंड है और एक ये गर्लफ्रेंड है। अब क्या होता है, ये दोनों आपस में अच्छा इनका लाइफ चल रहा होता है, फिर क्या होता है, एक इसकी एंट्री होती है, अब हीरो बोलो विलन बोलो जो बोलना है बोलो इसको, एक एंट्री होती है जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, हैंडसम होता है, पैसे वाला होता है, समझ सकते हो ना क्या होगा। फिर ये क्या होता है, ये क्या करता है, इसको धक्का मार के निकाल देता है, और देखो इस साइड क्या बना है, FE मतलब CU को भगा दिया और FeSO4 इन दोनों की अब बॉन्डिंग बन गई। अबे रिया चक्रवर्ती मत समझ लेना इसको, समझे, ये देखो ये कुछ और है, FeSO4 और प्लस CU साथ में, ठीक है, कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर को इसने क्या किया, बाहर कर दिया। सिमिलरली इस तरीके से यहाँ पे देखो जिंक है, यहाँ पे देखो CuSO4 आपस में थे पहले, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर होता जिंक की एंट्री, ये भी था थोड़ा सा हैंडसम था, थोड़ा पैसे वाला था, सब कुछ था, ठीक है इसके पास। अब देखो इसने क्या किया, इसने इसको लात मार के भगा दिया, क्या बन गया पे देखो ZnSO4, मतलब SO4 के साथ पहले कॉपर रहता था, अब जिंक की हो गई सेटिंग। हजार बार कह रहा हूँ रिया चक्रवर्ती नहीं है ये। नेक्स्ट देखो, साथ में देखो ये क्या बन गया, यहाँ पे क्या बच गया, कॉपर को इसने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। यही हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अब बहुत सारे बाल कलाकार ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि अब हैंडसम है वो, ये आयरन हैंडसम है, जिंक हैंडसम, ये कैसे पता लगता है, तो ये मैंने रिएक्टिविटी सीरीज से पता लगता है कि कौन जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना, मतलब सबसे ऊपर में ये जो ऊपर वाला है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, सॉरी, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस, इसमें कम लेस रिएक्टिव होते हैं, ये कम रिएक्टिव होते हैं, और ये ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव का मतलब ज्यादा हैंडसम, ज्यादा पैसे वाले, ठीक है, सब कुछ, मतलब उसके अंदर ज्यादा गुण है नीचे वाले के कंपेयर। अब देखो, अब ये पता कैसे लगेगा कि आयरन ज्यादा हैंडसम है, तो आयरन ज्यादा हैंडसम इसलिए, देखो आयरन कहाँ पे है इसमें, देखो इस वाले सीरीज में FE ऊपर है यहाँ पे, और कॉपर कहाँ पे है, ये कॉपर है यहाँ पे। अब बताओ हैंडसम कौन है, वो है ना हैंडसम, ये हैंडसम है तो रिएक्शन हो जाएगा, मतलब हटा देगा उसको, लात मार के भगा देगा, ठीक है, इसको लात मार के भगा देगा इसे। यदि सपोज करो बाय चांस ऐसा हो कभी, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे देखो कॉपर प्लस FeSO4 ये दे रखा है आपका, ठीक है, क्या ये रिएक्शन होगा, क्या ये इसको भगा पाएगा, ये बताओ, एक बात बताना जरा मुझे, रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। FE आपको पता है कि FE ज्यादा हैंडसम है पैसे वाला है, कि कॉपर ज्यादा हैंडसम और पैसे वाला है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो ना कौन है ज्यादा हैंडसम, आयरन है। तो एक बात बताओ, जब इसका लाइफ ऑलरेडी सेट है, तो ये अपना मतलब उड़ता हुआ तीर, सॉरी, ठीक है, तो ये क्या, जब इसकी लाइफ सेट है तो ये इसके साथ क्यों बॉन्डिंग बनाएगा अपना, जब ये एकदम हैंडसम ये ऐसे है ही, तो रिएक्शन होगा क्या, नहीं, ये इसको भगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास हर चीज़ ऑलरेडी है, सेट है उनका लाइफ। तो यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और यदि आप लोगों को ये रिएक्टिविटी सीरीज यदि याद नहीं होता है, ठीक है, ये अब ये याद करना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के लिए, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बता रखा है, बहुत अच्छा ईजी ट्रिक है, केदारनाथ का माली करके कुछ है, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से समझा रखा है, आप एक बार उसको चेक करो, एक बार जाएगा कोई दिक्कत वाली नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम, अब तो ये बेसिक तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, उसको डिस्प्लेस करता है जो कम रिएक्टिव होता है। देखो अब है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं बाइक वाला एग्जाम्पल, बाइक वाला, अब आप वो भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं बाइक वाला लेके करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो NA2, ये एक, ये इसकी बाइक, ये खुद और ये इसकी बाइक, ठीक है, एक ये बेरियम और ये इसकी बाइक, ठीक है, दोनों गए घूमने में ऐसा होता है ना कि कभी तुम मेरा बाइक चला ले, कभी मैं तेरा बाइक चला लूँगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट यही होता है
कि वो उसको डिस्प्लेस कर देता और वो उसको डिस्प्लेस कर देता। देखो यहाँ पे ये एन ए टू था एन ए, ये एन ए था एन ए, एन ए के साथ कौन था, एन ए की बाइक एसओ फोर थी, लेकिन इसने क्या किया अपना बाइक छोड़ के अब इसका बाइक चलाने लग गया, एन ए ने इसका बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया एन ए सी एल, ठीक है। और बेरियम ने इसने क्या किया, मतलब दोनों ने स्वैप कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है एक दूसरे से। यहाँ पे देखो बेरियम ने एसओ फोर उसकी बाइक चला ली, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में यही होता है, वो उसका वाला ले लिया और ये इसका वाला ले लिया, समझ में। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो ना, दिख रहा होगा नीचे एग्जांपल में, देखो पी बी एन ओ थ्री का होल, ये इस ये है और ये इसकी क्या है बाइक है, एक ये है पोटासियम और ये इसकी बाइक है। अब क्या होगा देखो, इसने ये इसकी बाइक ले लेगा पी बी आई, पी बी आई टू क्यों होता है ये आपको कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में पढ़ाया जाएगा, ये आप लोगों को कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए आप ये देखो कि ये इसकी बाइक लेके चला गया, ठीक है, पी बी आई, ठीक है। और एन ओ थ्री का होल टू, ये जो है मतलब ये क्या करेगा, इसकी बाइक को ले गया के एन ओ थ्री, समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें वो उसकी वाली को लेके चला जाता है और वो बेचारा मतलब जो हैंडसम होता है वो एक को छोड़ देता है दूसरे को पकड़ लेता है, ठीक है। मतलब रिया चक्रवर्ती नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, आगे देखो। और इस वाले में क्या था, डबल, मतलब उसने उसका वाला ले लिया, उसने उसका वाला ले लिया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, आप लोग एग्जांपल वगैरह और इसके इस चैप्टर के नोट वोट चाहिए तो आप व्हाट्सएप वगैरह से ले सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगा ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, और उसके बाद में उसके भाई, उसका भाई है रिडक्शन, एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा उसका भाई है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहां पे देखो आप, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन यदि ऐड हो गया, जुट गया तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन यदि हट गया, रिड्यूस हो गया तो रिडक्शन, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपको एक पॉइंट और याद रखना है, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको याद कर लो, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में कोरोजन और रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट जो था वो खत्म हो चुका है, ठीक है, इस बार शायद नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यही तक रखा है। अब देखो हमारा ये है पांचवा वाला कॉन्सेप्ट, ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। इसको भी देखो नाम से ही याद कर सकते हो आप, रिडॉक्स, देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, नहीं आया समझ में, रिडक्शन और ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। अब देखो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक साथ ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, दोनों साथ साथ हो रहे हो, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देख सकते हो आप यहाँ पे, अभी आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो आपको नाम से ही याद हो जाएगा, एग्जाम में इतना ज्यादा वो करने की जरूरत ही नहीं है, नाम देख के पता लग जाता सबका। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और एक बना रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक डिकम्पोज हो रहा है, एक टूट के दो तीन से ज्यादा बना रहा है, ठीक, दो से ज्यादा ऐसे बना रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो शायद ही भूल पाओगे, जो ज्यादा हैंडसम कम हैंडसम वाले को लात मार के निकाल देगा। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट, मैंने उसका बाइक ले लिया, उसने मेरा बाइक ले लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बताया। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर होता है दोनों चीज, जब आपस में एक साथ ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें ऐसा नहीं समझ आएगा, एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ये है हमारा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और ये है हमारा हाइड्रोजन, इन दोनों को मिलाया हमने और साथ में हमने हीट प्रोवाइड किया, ये कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, इसमें से क्या हो रहा, ऑक्सीजन था कॉपर, ये था फलाना ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में देखो, यहां पे CuO था और इधर आते आते क्या हो गया, ऑक्सीजन इसमें से हट गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये क्या हो रहा है, यहां पे साथ में देख पा रहे हो गया, ये रिडक्शन हो रहा है। साथ ही यहां पे देखो हाइड्रोजन अकेला है, यहां पर हाइड्रोजन अकेला था, उस साइड जाके देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या किसने पढ़ा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसने पढ़ा था? ऑक्सीडेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक साथ ही दोनों चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो इसलिए ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। सिमिलरली आप लोग इस पे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड है प्लस सी है कार्बन, ये बनाता है जिंक और कार्बन। यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड था, यहाँ से देखो जिंक बन गया, मतलब ऑक्सीजन हट गया इसमें से, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। साथ में यहाँ पे देखो कार्बन का, देखो इस साइड आके क्या बन गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, जुड़ने को क्या बोलते हैं, समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और काफ़ी इजी और सरल तरीके से हमने बनाने की कोशिश करी है। और वीडियो लेक्चर यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें इसी तरीके के मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।